दोस्तों ये है जेटू 2016। अगर इसमें आपके ईयर स्पीकर के ट्रैक ख़राब हो गए तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों ये है अपना मेन बोर्ड, ठीक है ना। और मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। ये और ये दोनों डॉट हैं, ठीक है ना, जो अपने यहाँ पे अपना ईयर स्पीकर टच होता है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट हैं। तो आपको मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ जम्पर लगाना है आपको। ऊपर वाला है, इस पॉइंट से आपको लेना है एक जम्पर। और ये देख रहे हैं, ये खड़े खड़े आड़े सोए हुए कंपाउंड देख रहे हैं, एक दो तीन, एक दो तीन ऐसे, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर के भी हैं। आपको यहाँ से एक जम्पर लेना है और 1 2 3 तीसरे, ये ऊपर वाले में से तीसरे कंपाउंड पे आपको अंदर वाली साइड में लगा देना है, ठीक है ना। फिर से आपको अच्छे से बता रहा हूँ, इस वाले कंपाउंड के अंदर इस साइड में लगा देना है, ठीक है ना। इस साइड में यहाँ पे लगा देना है। और नीचे वाले कंपाउंड के जस्ट इसके पास वाला कंपाउंड है, नीचे वाला ये, ठीक है ना, ये वाला, इसके इस साइड में लगा देना है, इस साइड में, ठीक है ना। ऊपर वाले का ऊपर के साइड में लगाना है आपको, ठीक है ना। ऊपर वाले का अंदर के साइड में, 1 2 3 तीसरे कंपोनेंट के अंदर के साइड में लगाना है आपको, ठीक है ना। वैसे आप मीटर से चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से जहाँ से कंटिन्यूटी आ रही है तो आपको नहीं लगाना है, और कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आपको वहाँ लगा देना है, ठीक है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट पे, किसी पे भी, ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। और प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को नहीं दबा रखा है प्लीज़ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए।